नमस्कार गौतम जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार गर्दनीबाग धरना स्थल पे तमाम बीटीएस की जेई के अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है। देखिए, तमाम अभ्यर्थी रिजल्ट की मांग कर रहे हैं और लाइव में आज हमारे साथ जुड़े हैं गौतम, जो की बीटीएस की जेई के अभ्यर्थी हैं। गौतम जी, 18 दिन हो गए हैं लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी संदेश जो है वो विभाग की तरफ से नहीं आ रहा है। आंदोलन लगातार कर रहे हैं आप लोग, कब तक ऐसे ही रहिएगा? जी अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, है ना। हमारी आवाजों को आप लगातार उठा रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, हम लोग तो आज 18 दिन से लगातार धरना पर बैठे हैं। अभी तक तो आयोग से मिलने नहीं कोई आए हैं, बट कहीं ना कहीं हम लोगों का धरना का पॉजिटिव इफेक्ट दिख रहा है। और आयोग में एक काउंसलिंग होनी है जो एसबीटी प्राइवेट से, बिहार गवर्नमेंट के जो एसबीटी प्राइवेट में बच्चे हैं उनका काउंसलिंग होना है। तो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, विभाग भी नहीं सुन रहा है, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो बेरोजगार हैं, तो क्या बिहार में बेरोजगारी ऐसे ही रहेगी या फिर रोजगार मिलेगा नीतीश कुमार की सरकार? और देखिए सर, अभी यहाँ हम लोग तो बेरोजगार ही हैं और यहाँ पर बहुत सारे जो छात्र यहाँ बैठे हुए हैं धरना में वो सब बेरोजगार ही हैं अधिकतर। और इसमें रिजल्ट संविदा पर भी जो कर रहे थे उनका भी हुआ है ना। तो हम सभी लोग को इस रिजल्ट को निकलवाने के लेकर के हम लोग सभी लोग धरना पर बैठे हैं। सब लोग ये चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट जो दिया गया था वो वापस हो। और बेरोजगारी की बात है तो बिहार में बेरोजगारी दर इतना ज्यादा है कि मतलब किसी को क्या बोला जाए, सब लोग इससे अवगत है, है ना। और बेरोजगारी का बहुत ही यहाँ बुरा स्थिति है बेरोजगारों का। लगातार कब से कब तक बैठे रहते हैं गर्दनी बाग में ऐसे ही? जी मॉर्निंग में हम लोग आ जाते हैं, 8-9 बजे तक आ जाते हैं और इवनिंग में 6-7 बजे तक बैठते हैं। फिर रात में कहीं अगर व्यवस्था है किसी फ्रेंड के पास तो वहां हम लोग रुकते हैं, नहीं तो फिर वही जक्शन ही हम लोग का लास्ट ऑप्शन होता है ठहरने का। तो समझ सकते हैं हम लोग कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। देखा जाए तो जूनियर इंजीनियर का जो कार्य रहता है वो बार जहां आता है वहां पे जो पुल पुलिया हो या फिर सड़क निर्माण हो या फिर तमाम जगहों पर कार्य जो है वो किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जूनियर इंजीनियरों की बहाली नहीं हो रही है गौतम जी। जी जी देखिए, यहाँ तो नीतीश कुमार जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हुए हैं वो उनका बयान आता है, हम लोग देखते हैं उनका स्पीच वगैरह, तो उसमें वो कहीं ना कहीं जब जूनियर इंजीनियर का बात आती है तो वो ये बोलते हैं सभी विभागों का अधिकारियों को, ये उनका मुंह से सुना जाता है कि बोलते हैं कि जो जूनियर इंजीनियर के जितने भी पद खाली हैं तो उनको भरा जाना चाहिए। इवन इसके लिए बीटीएससी को उन्होंने विज्ञापन भी निकालने के दौरनीत में ही बोल दिया था, तो हुआ भी, सब कुछ हो गया। बीटीएससी जूनियर इंजीनियरों को 6400 की बहाली का रिजल्ट भी आ गया और आज उसको वापस कर लिया गया। तो आज कहीं ना कहीं इंजीनियरों की स्थिति बहुत ही खराब है बिहार में। अभी जो संविदा पर कार्यरत है तो वो अभी 4-5 अनुमन क्या बोलते हैं प्रखंड को अभी संभाल रहे हैं अकेले, जो कि उनको एक प्रखंड को संभालना चाहिए था। तो इस तरीके से जो बिहार के कार्य प्रगति है, जो कार्य की गुणवत्ता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता है, उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है की जो बिहार में है वो कमी है। बिल्कुल जी जी बिल्कुल, आपने सुना, हमारे साथ गौतम है। 18 दिनों से इन लोगों का लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम बीटीएस की जेई के जूनियर इंजीनियर के अभ्यर्थी हैं 18 दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और धरना दे रहे हैं। इनका साफ कहना है कि बिहार में जूनियर इंजीनियरों की कमी है, देखा जाए तो 5 जगहों पर एक ही जूनियर इंजीनियर कार्य कर रहा है और कहीं ना कहीं यह सही नहीं है, जिसके लेकर इनका साफ कहना है कि रिजल्ट जारी करें और जिस तरीके से ये लोग चयनित अभ्यर्थी हैं इनकी बहाली हो और जल्द से जल्द ये लोग मांग कर रहे हैं रिजल्ट जारी हो। फिलहाल तमाम अभ्यर्थियों का 18 दिन से धरना प्रदर्शन जारी है। क्या कुछ कहते गौतम, आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।